तो आज हम भिन्नों के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स के बारे में। तो भिन्नों में इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपके आईटीआई में कि यदि किसी धन और उसके 5/8 भाग में 300 रुपए का अंतर हो तो वह धन क्या कीजिए। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सवाल इस तरह से हमने दिया है कि यदि किसी धन माने तो वो मान लिया हमने x रुपया। अब ये कह रहे हैं कि और उसके 5/8 भाग अर्थात इसी x के 5/8 भाग में अंतर कितना का है, 300 रुपए का। तो हम सवाल की भाषा में इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार, वह धन है x रुपया और इसी x का जो भाग है 5/8 भाग का में 300 का अंतर है, अर्थात इस धन में से इसी धन का 5/8 का अंतर है 300 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस x का 5/8 बराबर कितने रुपए है, 300 रुपए। ये 300 रुपए है। अब इसमें होगा क्या, इसका काका अर्थ जो होता है, काका अर्थ ही होता है गुणा करना। तो यहां पे हम आगे देखेंगे x माइनस 5x, ये काका मतलब गुणा, तो ये हो जाएगा 5x/8 बराबर 300। अब यहां पे कैसे गुणा हो जाएगा, ये जो 8 जाएगा यहां पे गुणा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगी 8x माइनस 5x अपॉन 8। अब यहां पे त्रिया गुणा फिर से होगा, जब इसमें 8x माइनस 5x को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ये हो जाएंगे 3x अपॉन 8 बराबर 30। अब इसी प्रकार इसमें 3x का फिर से त्रिया गुणा हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे 8 में तो ये हो जाएगा 3x गुणा 300 गुणा 8। अब यहां पे x बराबर 300 गुणा 8 बटे में नीचे पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 300। अब 3 से 300 में भाग देंगे तो यहां पे बचा अपना 100 गुणा 1 बराबर 800, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है इसकी। तो हम एक भिन्न के अगला सवाल देखेंगे। भिन्न में आपका सवाल है, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यह भिन्न बताइए। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है, वह भिन्न क्या होती है। तो सवाल है, तो इसके हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे कि अंश, तो इसमें क्या है कि माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना माना हमने, x, तथा हर बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें फिर से सवाल थोड़ा देखना पड़ेगा। अंश तथा हर का योग 13 है, अर्थात अंश अगर हमने x माना है तो हर आपका हो जाएगा 13 माइनस x, क्योंकि योग है 13 तो हर क्या हो जाएगा, 13 माइनस x। अब हम आगे देखते हैं, आगे सवाल में वो कह रहे हैं कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अर्थात अंश में 1 जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा आपका, x+1, अंश में 1 जोड़ दिया गया तो x+1, तथा हर में 2 घटा दिया जाए, यानी कि हर में 2 घटाने पर क्या हो जाएगा, 13x माइनस x माइनस 2, 13x क्या था, हर था, तो हर में 13 माइनस x में माइनस हमने 2 कर दिया, तो ये हो गया आपके 13 में से 2 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस x, ये आपका बन जाएगा हर, ये आपका बन गया हर। और इसमें सवाल अपनी भिन्न बन जाएगी, साधारण भिन्न सरल भिन्न बन गई, अंश बटे हर बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1
त्रिया गुणा करेंगे। त्रिया गुणा में दो का यहाँ पे एक्स प्लस वन में गुणा हो जाएगा और वन का हो जाएगा ग्यारह माइनस एक्स में गुणा। तो यहाँ पे गुणा हम देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा टू एक्स प्लस वन बराबर वन इलेवन माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब दो का गुणा एक्स प्लस वन में होगा तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, और जब एक का गुणा ग्यारह माइनस एक्स में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ग्यारह माइनस एक्स। ये हमारी संख्या बन गई। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने में क्या होगा कि आप x को आ ले जाएंगे, अर्थात ये माइनस का x का आप जब बराबर इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 11 माइनस x। अब x को हम इस तरफ ले गए माइनस के x बराबर उस तरफ जाते हैं तो ये बन जाएंगे आपके 3x, और 2x क्योंकि प्लस के बराबर के इस तरफ आएंगे तो 11 माइनस x 11 माइनस 2 अर्थात 9। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 9 अपॉन 3, 3 त्रिका 9, ये तीन बार कट गए। x बराबर आपका आ गया, x बराबर यहाँ पे x बराबर 3, ये आपका आ गया अंश, ये आपका अंश आ गया तथा हर का मान। अब हर को हमें मालूम है 13 माइनस x, लेकिन अंश चूंकि x बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा धन 10। तो ये आपका हर आ गया। अब भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर अर्थात अंश हो गया आपका 3 और हर हो गया आपका 10। तो ये आपकी भिन्न हो गई, अभिष्ट भिन्न हो गई आपकी 3/10। तो अगला जो सवाल है भिन्न से, वो सवाल कुछ इस तरह से है कि एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पानी तथा कीचड़ में बांस की कुल लंबाई का योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, कीचड़ में बांस के भाग बराबर कितना है अपने पास 3/10, और जल में बांस का भाग बराबर 3/5 भाग। अब इसका हम क्या करेंगे जोड़, अर्थात कीचड़ तथा पानी में बांस का भाग अर्थात 3/10 प्लस 3/5, 10 और 5 का हमने एलसीएम लिया, बड़ी वाली संख्या हमेशा मानी जाती है, तो ये हो जाएगी 10। अब 10 का इसमें भाग देंगे जो एलसीएम में आया है, इधर पे हम थोड़ा करके दिखा दे रहे हैं, 3/10 भाग प्लस 3/5। अब इसका एलसीएम लेंगे 10 और 5 का तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आ जाती है 10। अब 10 का इसमें 10 में भाग देंगे 10 एकम 10, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 3 एकम 3, ये आ गया प्लस 5 × 10 2 × 3 6 अर्थात ये हो जाएंगे 6। आपका हो जाएगा 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9/10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 9/10 क्या हमारा आ गया, जल के अंदर, जल तथा पानी के अंदर का भाग। इसको हम क्या करेंगे, जल की सतह के ऊपर का भाग। अब हमें ज्ञात करना है जल की सतह का ऊपर का भाग, ये तो हो गया जल की सतह का नीचे का भाग। तो हमने माना कि जल की सतह के ऊपर का भाग आपका 1 मीटर है, 1 मीटर है, और जल की सतह के नीचे कितना है 9/10। तो यहाँ पे पूरे भाग में से हमने 9/10 को घटा दिया, माइनस किया, तो फिर से त्रिया गुणा हो जाएगा, त्रिया गुणा, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 अर्थात 10 - 9/10। तो यहाँ पे 10 में से 9 लेंगे तो 1/10, ये भाग आ गया अपन का जल के ऊपर का भाग। लेकिन हमें तो मालूम है कि जल के शेष जल का भाग आपका जो है वो है 5 मीटर, तो हम क्या करेंगे प्रश्न अनुसार 1/10 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। तो हमने जैसे इसको बराबर किया तो फिर से ये यहाँ पे त्रिया गुणा हो जाएगा, अर्थात 1 भाग बराबर 10 × 5 अर्थात 50 मीटर, बांस की टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी 50 मीटर। ये इसका सवाल है।